हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। यहाँ पे मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब अपने दर्शकों के सवाल जवाब लेना शुरू करते हैं। विजयराज राठौर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजयराज जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास IRFC है। हाँ, पट्टी भी देता हूँ। IRFC है सर, 20,000। ओरिजिनली तो मैंने 21 रुपए में लिए थे, बाद में जब 34 हुआ था तो बेच दिए थे, और अब वापस मैंने 26 रुपए में वापस खरीदे हैं। ओके, तो मेरा ये अभी एवरेज रेट अभी जो है वो 26 रुपए है और 20,000 है मेरे पास। तो और होल्ड भी करना चाहते हैं लंबा समय तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन्वेस्टर ही हूँ, और लेकिन ये बीच बीच में थोड़ा मुनाफा बांध लेता हूँ। मतलब बिल्कुल नहीं, ये तो बांधना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। गौरव, 20,000 शेयर ले रखे हैं IRFC के, और बिल्कुल इसी प्राइस पे है जो इस समय ट्रेड कर रहा है। 2-3 साल अगर रखा जाए इसमें तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ पे चार्ट्स अगर मैं देखूँ तो 1-1.5 साल के ही चार्ट्स इसमें है, तो मैं लंबी अवधि के लिए इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि चार्ट्स में एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स में देखने मिला था 1-1.5 साल का, उसके बाद में स्टॉक जो ने कहा कि 35 गया था, उसके बाद में भी रिट्रेस करके रिटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट का। यहाँ पे एक बार के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, अगर आपका नजरिया 1 साल से ऊपर का है तो यहाँ पे आप अपने जो पहले की जो बाइंग प्राइस थी 21, उसके नीचे के आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। वो उसके अच्छे सपोर्ट्स लेवल है और वहीं से एक अच्छी टर्न राउंड हमको स्टॉक में देखने मिला, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। वो जब तक होल्ड है, एक बार ये फिर स्टॉक जो है 40-42 के लेवल एक बार टेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, टाइम करेक्शन आ सकता है, प्राइस करेक्शन यहाँ से बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन नजर नहीं आ रहा है, टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन अगर आप 2-3 साल का नजरिया रखते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, इसमें अच्छे गेंस हो सकते हैं।